हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ दो चीज़ों से आपको बताएंगे कि स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई किस तरह और कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ली हुई है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे अपना दूध। तो दूध का आप मेजरमेंट एक गिलास कर लीजिएगा, क्योंकि आज फिर मैं आपको मिल्क पाउडर से ही मिठाई बनाकर दिखाऊंगी। और आपका मिल्क पाउडर होगा 250 ग्राम। तो देखिए, अब मैंने अपनी कढ़ाई को में दूध डाल दिया है। ये मैंने एक गिलास दूध लिया हुआ है और इसी में हम डालेंगे अब 1 स्पून घी। तो देखिए, हमारा घी मेल्ट होने लगा है, इसका मतलब हमारा दूध गर्म हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा हिला दूंगी ताकि घी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ के साथ आप इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारे मिल्क पाउडर में लम्स ना हो। यह बड़ी इजी तरीके से बनने वाली मिठाई है और बड़ी फटाफट तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको दूध को भूनना है और ना ही आपको ज़्यादा देर गैस के पास खड़ा होना है। यह फटाफट बनने वाली मिठाई है और स्वादिष्ट तो इतनी बनती है कि आप हलवाई की दुकान से मिठाई लाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हो जाती है। और नॉर्मली मिल्क पाउडर तो सभी के घर में अवेलेबल होता है, वरना आजकल हमें आंगनवाड़ी से भी मिल्क पाउडर मिल रहा है। आप उसकी भी ये मिठाइयाँ बना सकते हो। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से पक जाए। बस आपको इसका एक ध्यान रखना है कि आपको इसे नीचे की तरफ चिपकने बिल्कुल नहीं देना है, वरना आपकी मिठाइयों में महक हो जाएगी जले हुए की। तो आपको इसे हिलाते ही रहना है और नीचे की तरफ बिल्कुल भी चिपकाना नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा टाइट भी होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आप इसी कंडीशन में इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। आई मीन 1 स्पून घी मैं इसमें हो डाल दूंगी। तो देखिए, ये मैंने एक छोटा चम्मच घी का लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई मैं आपकी कलरफुल बनाऊंगी, जो काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी भी बनेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा डो अब तैयार हो चुका है, मिल्क पाउडर और दूध का। मीठा इसमें पहले से ही अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ना करें तो ही अच्छा है, वरना आपकी मिठाइयाँ बहुत मीठी बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें से जो ये डो है, आधा डो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ये मिठाई कलरफुल बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें कितना डो इसमें छोड़ दिया है। और जो मैंने इसमें डो छोड़ा है, इसे हम कलर देंगे ग्रीन। तो देखिए, मैंने ये ग्रीन फूड कलर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन फूड कलर डाल दूँगी। इससे आपकी मिठाई पर कोई असर नहीं होगा और ना ही इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क होगा। बस इससे आपकी मिठाई बस दिखने में अच्छी दिखेंगी और खाने में बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये खाने वाला फूड कलर है। इसे हलवाई कई बार लड्डुओं में भी यूज़ करते हैं और मिठाइयों में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मैं इसे हिलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो चुका है। अब मैं इसे हिला हिला कर, जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा दूध डाला है अभी जस्ट, उसे जला लूँगी। और फ्रेंड्स, ये मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी और दानेदार बनकर तैयार होती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डो तैयार हो चुका है। आपको इसी प्रकार का यह डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए, मैंने प्लेट ली हुई है और प्लेट में डालेंगे हम थोड़ा सा घी, ताकि ये नीचे की तरफ से चिकनी हो जाए, और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और जो अभी के अभी हमने कलरफुल अपना डो तैयार किया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस डो को अपनी प्लेट में डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके फैला दूँगी। और अब इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी अपना हाफ डो फिर से।
और अब आप सोच रहे होंगे इसे मैं कैसा कलर दूंगी, तो इसे दूंगी मैं रेड कलर, क्योंकि हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कलरफुल मिठाई बनाने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट कलर का जो डो है वो भी बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसी प्लेट में जिसमें मैंने पहले ग्रीन कलर का डो निकाला था, इसी में मैं डालूंगी अपना व्हाइट कलर का डो। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे अच्छे से चारों तरफ जमा लेती हूँ ताकि इसकी मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी कटें। तो देखिए मैंने इसे फैला लिया है और अब डालूंगी मैं इसी के ऊपर अपना व्हाइट डो। तो देखिए इसे भी मैं अच्छे से फैला लूंगी और आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर से ये जो मिठाई मैंने बनाई है वो कितनी दानेदार और कितनी स्वादिष्ट और कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ, देखें ये बिल्कुल मिल्क केक जैसी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से फैला लेती हूँ, आप देख सकते हो, और ऊपर से इसे इसी तरह अच्छे से प्रेस कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए चारों तरफ से। और फ्रेंड्स, जो मैंने अभी इसमें थोड़ा डो बचा रखा है इसे डालकर मैं रेड कलर दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे अपना रेड कलर। देखिए ये मैंने रेड कलर लिया हुआ है, ये रेड फूड कलर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये रेड डो बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो हमने पहले टू कलर का ये डो डाला हुआ है, अब मैं इसमें तीसरा कलर भी ऐड कर दूंगी, वो है रेड कलर। तो देखिए इसी के ऊपर मैं अपना, तो देखिए इसे भी मैं अच्छे से फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे भी अच्छे से फैला दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए जमने के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, मैंने ये तीन लेयर बनाकर अपने प्लेट में रख दी है। जिसके पास ट्रे ना हो वो थाली में भी इस मिठाई को बना सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट तक इसी तरह छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाइयाँ जमकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा दूंगी, अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर सिल्वर फॉइल। फ्रेंड्स, इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे चकोटी भी काट सकते हैं या सर्कल में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये मिठाई की शेप भी काटी हुई है। तो देखिए अब एक ही करके इन्हें इस प्रकार प्लेट में लगा लूंगी। फ्रेंड्स, ये जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी हुई है। तो एक एक करके मैं सभी मिठाइयाँ अब अपने प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। देखें, एक तरफ से ये ग्रीन बनी हुई है और एक तरफ से रेड, और बीच में इसमें कितना बढ़िया ये वाइट कलर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो एक एक करके मैं सभी मिठाइयों को अपनी इस प्लेट में निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो दाना होता है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप मेरे कहने से इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।